हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत फेमस इक्वेशन के बारे में, दैट इज डार्सी वाइसबैक इक्वेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसका यूज किया जाता है हेड लॉस निकालने के लिए पाइप्स में। जब भी कोई फ्लूइड ट्रेवल करता है तो उस दौरान देर आर सम लॉस इन प्रेशर ड्रॉप, मीन्स वहां पे कुछ लॉस हो जाता है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और यही प्रेशर ड्रॉप हम हेड लॉस के तौर पे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। मगर इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डार्सी वाइसबैक इक्वेशन। अब देखिए कि सपोज एक पाइप है, क्लियर हो गया? ओके, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। ओके, अब मान लेते हैं कि इसके बीच में सेक्शन, कुछ कंट्रोल सेक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज ये जो लाइन है, मान लेते हैं कि ये सेक्शन वन है, क्लियर हो गया, और ये मान लेते हैं कि ये सेक्शन टू है, क्लियर हो गया। तो सेक्शन वन पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी वन, दिस विल बी पी वन, लाइक दैट एरिया ए वन, डायमीटर डी वन, वेलोसिटी वी वन। इस सेक्शन वन की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। यहां पे मान लेते हैं कि प्रेशर है पी टू इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। देन एरिया ए टू, वेलोसिटी वी टू एंड डायमीटर डी टू, बीच में कॉमा कॉमा है, कोई कंफ्यूजन है? ओके, मान लेते हैं कि फ्लूइड हमारा ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द फ्लो, क्लियर हो गया। अब एक चीज जरूर नोट कीजिएगा कि सेक्शन वन पे प्रेशर ज्यादा है, सेक्शन टू पे प्रेशर थोड़ा कम है, क्लियर हो गया। और पी वन माइनस पी टू इज कॉल्ड अ प्रेशर डिफरेंस, और इसी प्रेशर ड्रॉप की वजह से ये फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं कि अगर पी वन इक्वल टू पी टू हो जाता है, यहां पर भी सपोज यहां पर 5 bar का प्रेशर है, यहां पर भी 5 bar का प्रेशर है, तो फ्लूइड आपका फ्लो नहीं होगा, और जो भी फ्लूइड फ्लो होता है वो प्रेशर ड्रॉप की वजह से ही होता है, क्लियर हो गया। जब भी कोई फ्लूइड ट्रेवल करता है किसी पाइपलाइन में तो उस दौरान कुछ लॉस हो जाते हैं, एनर्जी में लॉस होता है, प्रेशर में प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है? ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसके बाद सेक्शन वन और सेक्शन टू पे बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करता हूं। तो अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, दिस वन, बिटवीन सेक्शन वन एंड टू, कोई कंफ्यूजन? ओके, नाउ आई एम राइटिंग फॉर सेक्शन वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं, फॉर सेक्शन टू के लिए राइट हैंड साइड पे लिखता हूं। दिस इज पी वन बाय रो जी प्लस जेड वन प्लस पी वन स्क्वायर बाय टू जी इक्वल टू पी टू स्क्वायर बाय रो जी प्लस जेड टू प्लस बी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस सम लॉस, सम लॉस। और ये जो लॉस है, दिस इज जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप मीन्स पी वन माइनस पी टू, तो वैसे ही क्या होता है, हेड लॉस। हेड लॉस क्या होगा, इस पर्टिकुलर सेक्शन वन पे जो हेड होगा वो एच वन होगा, इधर होगा एच टू होगा, तो देयरफॉर एच वन माइनस एच टू दैट इज हेड लॉस। और ये एफ जो मैंने लिखा है ये फ्रिक्शन की वजह से, जब भी कोई फ्लूइड ट्रेवल करता है पाइपलाइन में तो घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है, that we call it as a head loss due to friction, clear हो गया? Okay. अब मान लेते हैं कि ये एक datum line है, datum line means जमीन, your earth, ठीक है। अब यहां से यहां तक का जो distance है that we call it as a z1, क्या बोलते हैं, z1, और इसी को हम बोलते हैं datum हेड। आप मेरे पिछले वीडियोज देखिएगा ओपन चैनल से रिलेटेड, मैंने काफी सारे वीडियोज जिसमें datum हेड के बारे में बताया। ओके, यही अब ये भी देखिए, इस डेटम लाइन, दिस वी कॉल इट एज ए डेटम लाइन, डेटम लाइन, क्लियर हो गया, डेटम लाइन। यहां से पाइप के सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस होता है Z2, दैट वी कॉल इट एज Z2, टू इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं, और Z इज योर डेटम हेड, क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे सेंट्रल लाइन से यहां तक का डिस्टेंस Z1 है, सेंट्रल लाइन यहां से यहां तक का डिस्टेंस Z2 है। अब आप देख रहे होंगे डायग्राम ही बता रहा है कि Z1 इक्वल टू Z2, तो मैं यहीं से कैंसिल कर देता हूं, क्लियर हो गया। और एक और चीज कि अगर पाइपलाइन का जो डाया है वो सेक्शन 1 पे जितना डाया, यहां पर कितना है, D1 है, सेक्शन 2 पे देखिए D2, आप देखेंगे डायग्राम में
ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाइप है, यहां पर डी वन इक्वल टू डी टू है, क्लियर हो गया, तो एरिया भी इक्वल ही होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए वन इक्वल टू ए टू, क्लियर हो गया। तो एक चीज जरूर नोट कीजिएगा, अगर डाया सेम है तो वेलोसिटी दोनों जगह सेम ही रहने वाली है, क्लियर हो गया। ओके, तो देयरफॉर वी वन इक्वल टू वी टू, तो मैं ये भी कैंसिल कर दूंगा, वेलोसिटी जो सेक्शन वन पे है वही वेलोसिटी सेक्शन टू में रहेगी, क्योंकि आपका डाया चेंज नहीं हो रहा, क्लियर हो गया। ओके, द रिमेनिंग इक्वेशन दैट वी हैव पी वन बाय रो जी, अब ये पी टू बाय रो जी है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं विद नेगेटिव साइन, इक्वल टू एच एफ, क्लियर हो गया। देयरफॉर आफ्टर दैट आई टेक अ एलसीएम, रो जी इसको इससे डिवाइड किया, पी वन इसको बीच में माइनस है, इसको इससे डिवाइड किया, वन आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया वन को, दैट इज दिस, एंड फाइनली विल गेट अ वैल्यू दैट पी वन माइनस पी टू इक्वल टू रो जी एच एफ। कोई कंफ्यूजन, यानी कि प्रेशर ड्रॉप लिखा जा सकता है आपका रो इंटू जी इंटू हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्लियर हो गया। फिल राइट डाउन दैट इक्वेशन हियर, एक काम करता हूं ये इक्वेशन मैं कहीं लिख लेता हूं और इन सबको मिटा देता हूं, पी वन माइनस पी टू कैन बी रिटन एज रो जी एच एफ, अब ये मिटा दूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दिस वन अब इसे मिटा देता हूं, यहां रहने देता हूं, देखता हूं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अब यही डायग्राम मैं वापिस बनाता हूं, यही डायग्राम मैं वापिस बनाता हूं, यहां पे देखिए, इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूं, जो ऑलरेडी इक्वेशन बताया हुआ हमने। ओके, ये डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, क्लियर हो गया। ओके, अब ये वही पाइपलाइन है, क्लियर हो गया। ओके, ये वही सेक्शन है, वही सेक्शन। ओके, अब यहां पर जो एक्ट हो रहा था दैट वाज प्रेशर, व्हाट इज दिस प्रेशर, अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से जो प्रेशर फोर्स है इस डायग्राम में वो लेके आ रहा हूं, यहां पे जो फोर्स एक्ट करने वाली होगी दिस विल बी एफ वन, क्योंकि यहां पे प्रेशर पी वन है, क्लियर हो गया। ओके, यहां पे पी टू है और वो भी इस डायरेक्शन में है, तो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दिस, दिस फोर्स विल बी एफ टू। ओके, अब मैंने बोला कि फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मगर एक अपोजिट फोर्स रहती है जो इस फ्लूइड को आगे चलने से रोकती है, तो दैट इज डेफिनेटली वो फोर्स उल्टी एक्ट कर रही होगी, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यही यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स फ्लूइड को ट्रैवल करने से रोकती है, क्लियर हो ना। तो मैं क्या करूंगा, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जो भी फोर्सेस हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका सम करूंगा और वो सम होगा इक्वल टू जीरो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए एफ वन इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट, माइनस एफ टू उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट एफ इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करूंगा एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू एफ। अब हम देखेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, मैं जरा इसे मिटा देता हूं फिलहाल, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, अब ऑलरेडी साइंटिस्ट ने ये फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट की हुई है, व्हाट इज दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ डैश, ओके, देन पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, ये एक, ये जो F डैश है ये एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये जो F डैश है दैट इज फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट वेटेड एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मतलब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की थी पर यूनिट वेटेड एरिया के लिए होगा, और ये पर यूनिट वेटेड एरिया क्या है, पर यूनिट वेटेड एरिया, अभी देखिए आपके पाइप का कौन सा हिस्सा गीला हो रहा होगा, अंदर का, ये सपोज अगर ये पाइप है तो अंदर से गीला होने वाला, सपोज ये जो एरिया है ना, ये वेटेड एरिया, ये एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये अगर ये पाइप है, सपोज ये पाइप है जिसके ऊपर आप पेंट मार सकते हो, पेंट मार सकते हो, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, मगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया की अंदर से बात कर रहा हूं, अंदर से जो कर्व सरफेस एरिया होगा ना, क्लियर हो रहा है, अंदर से जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसकी बात की जा रही है, इसलिए अगर ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यूनिट वेटेड एरिया के लिए है तो हम पूरे लंबाई में जितना
कर्व सरफेस एरिया आता है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है इसलिए हम वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऑलरेडी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया हुआ है दैट फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू पाई डीएल, और ये पाई डीएल क्या है, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो मैं अच्छे से लिखूंगा एफ डैश पाई डी, और पाई डी अगर क्या है, अगर आप देखेंगे पाई डी सर्कल का पैरामीटर होता है, तो मैं यहां पे लिख दूं पी इसको सिर्फ इंटू एल वी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, सबसे पहले था एफ डैश, एफ डैश में मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो पाई डी एल इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्लियर हो गया, और दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप व्हाइल ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन, क्लियर हो गया। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है मैं ऐसा लिखूंगा, एक ये हो गया एफ, ओके। अब ये जो एफ वन है आपको मालूम है यहां पर एक्ट होने वाली प्रेशर फोर्स है, जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, एक्चुअली डायग्राम सेम ही है, ये प्रेशर के हिसाब से दिखाया है और ये फोर्स के हिसाब से दिखाया है। तो आपको मालूम है दैट फोर्स इक्वल टू नहीं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लिखा जा सकता है, क्लियर हो रहा है। अगर मेरे को फोर्स चाहिए तो पी इंटू ए, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला मैं यहां यूज करने वाला हूं। इसी के अकॉर्डिंग अगर मेरे को एफ वन फोर्स लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी पी वन इंटू ए वन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस पी टू ए टू, क्लियर हो रहा है। और ये जो एफ है दैट आई विल यूज इट एज एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है, ये क्लियर हो गया, एफ डैश पी एल वी स्क्वायर, ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स लिख दी है, क्लियर हो रहा है। ये फ्रिक्शनल, ये जो एफ डैश है, ये मैंने बताया कि एफ डैश क्या है, ये एक पाइप के अंदर होने वाला फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है और वो यूनिट एरिया पे काम करता है और यूनिट वेलोसिटी पे काम करता है। तो अगर आपको पूरी लंबाई के लिए लेना है, पाइप की पूरी लेंथ के लिए लेना है, और अंदर जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो पूरा पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर पूरी पर्टिकुलर लेंथ के लिए चाहिए, सपोज वो लेंथ एल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो यूनिट एरिया है ये पूरे लंबाई के हिसाब से जो कर्व सरफेस एरिया है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेलोसिटी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। इसी वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स आई है। ज्यादातर ये बुकों में नहीं समझाया होता है, साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया हुआ है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप डैश पाई डी एल इंटू वी स्क्वायर, और ये जो पाई डी एल होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, समझ रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको मालूम है डायमीटर आपका चेंज नहीं हो रहा है पाइप का, तो ए वन इक्वल टू ए टू मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट आई विल कॉल इट एज अ ए, सो देयरफॉर मैं ए कॉमन, क्योंकि मालूम है ए वन इक्वल टू ए टू दैट इज इक्वल टू ए, तो फिर मैं ए वन और A2 क्योंकि वो A के बराबर है उसको आई ट्रीट इट एज A1 वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए, तो मैं A कॉमन बाहर निकाल लेता हूं, P1 वन माइनस पी टू इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन, देखोर पी वन माइनस पी टू इक्वल टू एफ डैश पी एल वी स्क्वायर अपॉन A, और आपको मालूम है दिस इज पैरामीटर दिस इज एरिया एंड ओके सी पैरामीटर और एरिया। अब ये पैरामीटर किसका है, पाइपलाइन का। पैरामीटर तो देखिए ये एक सर्कल ही है, ओके, इसका पैरामीटर क्या होगा पाई डी, एरिया पाई आर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दैट विल बी पाई डी स्क्वायर, और फोर नीचे आएगा तो ये जो पलट के ऊपर आ जाएगा, दिस पाई पाई गेट कैंसिल डी डी गेट कैंसिल, सो इट विल बी फोर बाय डी, समझ रहे हैं, P by A. So therefore, I will put it here P1 minus P2 equal to F dash. इसकी जगह 4 by D लिखूंगा L V square. कोई confusion इसमें? And finally, अब मैं यहां पर finally इसको थोड़ी देर ये मिटा देता हूं, रब कर देता हूं. And finally, अब ये P1 minus P2 we got already a value rho G H F equal to F dash 4 L V square upon D. So therefore HF I will write down this F dash 4 L V square upon rho G or D. Clear ho gaya? Right now one main important is that we can write F dash by rho. By rho can be written as F by 2. क्या लिख सकते हैं हम? F by 2. So therefore, HF can be written as this one F by 2 4 LV square
upon GD. So this is your Darcy-Weisbach equation, where F is equal to coefficient of friction. Kya bolenge isko? Coefficient of friction. L is your length of pipe. L जो है आपका पाइप है, means यहां से लेके यहां तक जिसके बीच में आपने Bernoulli's equation लगाई है. ये वेलोसिटी है, ये डायमीटर जो एक पर्टिकुलर पाइप का होगा, उस दौरान जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी दैट विल बी द वी. क्लियर हो गया? और ये जो हेड है, हेड क्या होता है? हेड देखिए, हेड कुछ नहीं होता. अब जब भी आप कोई दो पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पाइप पे कुछ प्रेशर होगा, क्लियर हो गया, तो पाइप को जो प्रेशर, मतलब जो पर्टिकुलर पाइप आपने कंसिडर किया और जो सेक्शन वन कंसिडर किया है, तो सेक्शन वन कंसिडर किया मीन्स आपका प्रेशर पी वन है. क्लियर हो गया? ओके, तो वो प्रेशर पी वन को आप हेड में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? पी इक्वल टू रो जी एच. समझ रहे? तो अगर मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मीन्स सेक्शन वन है तो प्रेशर पी वन है, तो जो हेड होगा वो भी एच वन होगा. क्लियर हो रहा है? एक और सेक्शन ले लेता हूं, दैट इज टू, वहां पे प्रेशर पी टू होगा. क्लियर हो गया? उसी हिसाब से जो हेड होगा सेक्शन टू पे वो भी क्या होगा? एच टू हेड होगा. तो जैसे आप प्रेशर ड्रॉप लिखते हैं पी वन माइनस पी टू, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं दैट दिस इज एच वन माइनस एच टू इज योर हेड लॉस. हेड लॉस को प्रेशर ड्रॉप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, प्रेशर ड्रॉप को हेड लॉस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. तो पाइपलाइन में होने वाला जो हेड लॉस है फ्रिक्शन की वजह से, वो लिखा जा सकता है 4F L V square upon 2GD. और ये जो 4F है, this 4F, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं that 4F को लैम्डा बोलते हैं, L V square upon 2GD. And this lambda we call it as a friction factor. Clear हो गया? तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर और दूसरे सब्जेक्ट्स लाइक हीट ट्रांसफर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज राइट अ कमेंट. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियोस और एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम मी देन आई एम ऑलवेज रेडी, ऑलवेज रेडी. क्लियर हो गया? तो प्लीज बस आपकी मोटिवेशन की जरूरत है और आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आपके सामने ज्यादा वीडियोज लेके आऊं. थैंक यू वेरी मच.